लर्निंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट विथ अ स्मॉल थिंग, स्टार्ट विथ योर प्ले ग्राउंड. We were spending money like anything on the teams, on the expansion, on the R&D and everything. But after COVID, जैसे COVID के बाद सब कुछ खुल रहा था, टॉर्चिट बंद हो रहा था क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे. टॉर्चिट आपके पास टॉर्च है, मैं तो कहूंगा विजन आप ही बता सकते हैं. बताइए क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए लोगों का विजन बन आगे, ताकि वो लगे रहें, डटे रहें और एक विजन कम से कम बना पाए. उस टाइम पे आई कैन से कृष्णा मेरे एक्चुअल सारथी बन के आए उस मेंटर के रूप में जो जिन्होंने मुझे बताया. सो हमारा प्रोडक्ट का नाम सारथी है विच इज अगेन डिराइव फ्रॉम कृष्णा. सो कृष्णा कभी भी आ सकते हैं कोई भी रूप में. सो यू हैव टू जस्ट ओपन योर आईज. कहते हैं जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं. ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ. हमारे आज के गेस्ट जो कि अपना पहला प्रोडक्ट एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बनाते हैं, उनकी मदद के लिए बनाते हैं, आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी में तब्दील हो चुका है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनी बाग चंदानी की, जो कि टॉर्चिट के फाउंडर हैं और आज की डेट के अंदर 200 से ज्यादा असिस्टिव एड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इतना ही नहीं, वो 200 से ज्यादा जो असिस्टिव एड प्रोडक्ट्स हैं उसको 40 से 45 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं. टॉर्चिट आज की डेट के अंदर एक बहुत ही सफल कंपनी है जो कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुकी है. इतना ही नहीं, हनी बाग चंदानी ऑफ कोर्स एम करते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर उनकी कंपनी $1 बिलियन की भी हो जाएगी. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हनी बाग चंदानी शार्क टैंक इंडिया पे भी जा चुके हैं और वहां पर मिल रहे अनुपम के ऑफर को ठुकरा भी चुके हैं. जी हाँ, आपने सही सुना, ऑफर को ठुकरा चुके हैं. तो आइए जानते हैं ये पूरी क्या स्टोरी थी और हम जानते हैं हनी बाग चंदानी की इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में. हनी, वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच पवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. हनी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो शार्क टैंक में आपने ऑफर जो ठुकरा दिया था अनुपम का, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या हुआ उसके बाद और क्यों ठुकराया, क्या चल रहा था आपके मन में? बिकॉज जब हम टॉर्चिट और सारथी जैसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आप ऑफ कोर्स यू आर ब्रिंगिंग अ लाइट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन जिसकी जिंदगी में ना राहें हैं, ना उमंग है, ना रोशनी है, और आपने उसको एक होप दी विद योर प्रोडक्ट विद टॉर्चिट. आप शार्क टैंक पे जाते हैं, शार्क टैंक के ऊपर आपको अनुपम ऑफर करते हैं एंड देन यू नो यू डिक्लाइन. क्या चल रहा था मन में, क्यों आपने ऐसा किया? श्योर, एक्चुअली सी इट्स अ रिस्पेक्ट ऑफ माय प्रीवियस इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमको, जब हमारे पास कम ऑर्डर वैल्यू था तब हमको उन्होंने 20 CR की वैल्यूएशन पे फंडिंग दी थी, और जब आज 2-2.5 साल के बाद जब हमारे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर बुक वैल्यू है, तब अगर आप वही वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आप पुराने इन्वेस्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो. तो उन्होंने 2 साल पहले आपके ऊपर जो अमाउंट, टाइम और मनी इन्वेस्ट किया था, सो सेम अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स भी कैसे मैं कर सकता हूँ? सो इट्स dishonored for my previous investor, so that's why I rejected upfrontly. क्योंकि अगर वो थोड़ा भी hike करने का बोलते कि 20 CR की जगह 40 CR, even I gave a 50 CR offer, तो 40 CR पे मैं शायद ले लेता, 30 CR पे मैं ले लेता, but अगर वो 20 से ऊपर नहीं बना चाहते तो 20 पे मैं नहीं लेना चाहता था, which is a bottom line for me कि मैं उस value पे दूसरे नए investor से लूँ. And even say example, अगर अनुपम भी मेरे पुराने investor होते और दूसरे नए इन्वेस्टर मुझे आते तो मैं अनुपम की भी रिस्पेक्ट करता. इट इज नॉट मैंने अनुपम की ऑफर को ठुकराया, बट मैंने अपने जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको मैंने सेफ गार्ड करने की कोशिश की है. एंड उसके बाद वी रिसीव लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड उसके बाद हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हो गए एंड वी डोंट हैव टू रेज अ फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स. सो After Shark Tank, we got a lot of leads, actually. And through those leads, I'm happy कि हमारे पास अच्छी टीम है. और उस टीम के through, we have converted leads into the business. And now we are selling our product in more than 40-45 plus countries. And this is a great opportunity which Shark Tank as a platform provided to Torchit.
एंड विद शार्क टैंक वी हैव इम्पैक्टेड मोर देन 30,000 लाइव्स. सो या सो टोटल आवर काउंटर इज 150,000 लाइव्स वी हैव इम्पैक्टेड. अमेजिंग अमेजिंग वेरी बिग नंबर. या सो शार्क टैंक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन 2021. Yes, indeed. Shark Tank has played an impact, and wo, which is very much visible also. अगर मैं आपकी इसी जर्नी को अगर बिल्कुल शुरुआत में अब लेकर जाता हूँ, Shark Tank से पहले कहाँ से शुरुआत होती है टॉर्चिट की, क्यों होती है, क्या मन में आया था कि आपने ये प्रोडक्ट को बनाया? जी जरूर. So when I was in my third year of engineering, and during my third year of engineering, I have to do a social internship, and which I did in a blind school. And वहाँ पर I got an assignment to make accessibility in admin culture, like admin work को और accessible कैसे बनाए, so they can hire more persons with disability, or I can say more persons with visual disability. It's a blind school, by the way. So admin staff उनको visual impaired को लाना था, and I have a assignment कि मुझे ब्लाइंड पर्सन के साथ मिलके उस टास्क को एक्सेसिबल बनाना था. एंड जब मैं वो 40-50 दिन का इंटर्नशिप कर रहा था, एंड ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप पीरियड जिनके साथ मैं कर रहा था, ही गॉट एन एक्सीडेंट, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, एंड ही गॉट कपल ऑफ स्टिचेस ऑन हिज हेड विच इम्पैक्टेड मी अलॉट. के बींग एन इंजीनियर, मेरे सामने जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको ये एक्सीडेंट हुआ है, एंड जिनके अंडर में काम करता वो भी ब्लाइंड थे. तो मैंने ये बात उनको बताई, एंड ही सेड कि यार दिस इज अ वेरी कॉमन विद अस. एंड वो बताने लगे, देखो मुझे भी, मैं जब कॉलेज पीरियड में था तब मुझे भी यहाँ पर एक दो चोट लगी थी, एक दो मार्क्स दिखा रहे थे. सो आई सेड दिस इज नॉट अ प्राउड मार्क्स कि आप दिखा रहे हो कि मैंने भी ये किया था अपने जवानी में, ये नहीं होना चाहिए बेसिकली. So this is what kicked me के मैं कुछ कर लूँ ऐसा. And during the time I was in third year and robotics के ऊपर थोड़े थोड़े projects कर रहा था, तो I got an ultrasonic sensor and which I put it on the actually torch, and on the next day within week I made this prototype, and on the next day when I went in a blind school and showed this device, so they were very happy actually. So with this happy moment, I thought ke I should make more multiple prototypes of this torch. And ye baat fir wahan ke principal ko pata chali, and principal was very happy, and he gave 10-12 pieces of order. So this is how a torch, it started from a torch, and now it's a complete product which is name as a Sarthi, and Torchit become a Torchit Electronics Private Limited. So this is how Torchit got started. So आपका जो product है उसमें अभी भी आप मतलब development हो रहे हैं उसका, अभी भी कुछ नया version आ रहा है same product का, या it is like you know there, like you know जितना बनाया अभी it's final product which is sold in the market right now. Yeah, so as an entrepreneur, okay, I will give my small advice to all budding entrepreneurs or anyone who is watching this show. Okay, agar hum isko aur behtar 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 banate jate hain, see, as an innovator, you never finish your product. Kyunki agar aapne ek product bana, fir lagta hai aapko ki aur acha bana sakta hu, aur acha bana sakta hu. So you cannot finish the product. So being an entrepreneur, you have to stop at some time. एंड नहीं, अभी इसको लॉन्च करते हैं फिर मार्केट का फीडबैक देखते हैं. सो वी आई डिड अराउंड 16 आइट्रेशंस. ओके, हां, बिफोर द लॉन्च आई डिड 16 आइट्रेशन, सो समवेयर अराउंड 17 टू 19 मंथ्स. सो द आइडिया क्लिक्ड इन ऑगस्ट 2015 और 16, एंड वी हैव लॉन्च्ड इन जनवरी 2018. सो करीबन 18 महीने हमने iterations ke 16 iterations, and fir ek do acche mentors mile, and then we thought ke abhi isko launch karte hain, bahut zyada innovation ho gaya, ab jaisa hai aisa launch karte hain.
मार्केट का फीडबैक देखते हैं फिर क्या आता है फिर हम उसके ऊपर. सो वी गॉट गुड प्रीटी मच फीडबैक्स ऑन बैटरी इम्प्रूवमेंट्स, रिचार्ज साइकिल इम्प्रूवमेंट्स, इवन द डिवाइस एर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स. सो वी आर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. इवन रिसेंटली इन लास्ट टू मंथ्स वी डिड अपग्रेडेशन ऑफ, हमारा पहले माइक्रो बी टाइप यूएसबी था चार्जिंग सॉकेट, अभी नाउ वी हैव सी टाइप चार्जिंग सॉकेट. सो वी आर नॉट स्टॉपिंग आवरसेल्फ, but we are continuously improving on our this product, which is Sarthi, many of people knows, and this is a c type socket jo humne abhi kiya hai. And apart from this, we are not only limiting to one product, now we have more than 200 plus products. Oh yeah, that is something which I really want to know. Sure. What are, like, you know, So all products are related to, like, you know, tortured in some way or the another, matlab only for the blinds, or there are products for people with different, you know, disabilities? Sure. So we have expertise in visual impaired, because we have worked with visual impaired from quite a sometimes like 6 years, 4 years, 5 years now. And majority of our products are for visual impaired. Say example, the advanced version of Sarthi, which is AI eyeglass, which I demonstrated, which is almost final stage, which we are going to launch in October 23. So on the eyeglasses, which tells a blind person what is happening in front of them, and there are a couple of variants of eyeglasses as well, a basic version, medium version, and advanced version. And apart from this, we have educational products, we have a lot of daily living products, we have innovative games for visually impaired, and apart from visually impaired, we have also products for various disabilities, like hearing impaired or speech impaired. We have locomotive impairs, like we have smart crutches, we have locomotive handicare. Jo jinke paas paav nahi hai, unke liye bhi these products are helpful. And apart from this, we are also making high power eyeglasses, jo 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 24 जो हाई पावर है जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते. सो वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई पावर आई ग्लासेस एज वेल, एंड वी हैव मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच इज वी आर सेलिंग एट द ब्रांड नेम ऑफ इनेबल मार्ट, विच इज अ ऑनलाइन ई कॉमर्स. एंड रिसेंटली इन नेक्स्ट वीक ओनली वी आर लॉन्चिंग एक्सपीरियंस सेंटर, where a blind or visually impaired person or any person with disability can come and experience those 250 products which will be available there. And the main part, this center will be entirely run by persons with disability as well. So this is for PWD by the PWD. This is again amazing thing. Kis tarike se actually mein aap unko training de rahe hain taki wo ek pura store run kar sake. Yeah, so at Orchard we have multiple persons with disability. So abhi shuruaat ke liye, for the experiment, jo hamara experiment playground hai Blind People Association, to wahin par, which is one of the largest school in India, and luckily it is in Ahmedabad, and we are also based in Ahmedabad. Okay. So hum pilot wahan par karenge, and jo hamare employed persons with disability hain, hum pehle hi unko wahan par bhejenge as a micro blind entrepreneur. So it's a micro entrepreneurship. So we are not hiring them on a salary, but whatever revenue comes, it will be revenue share model with them. And they are very happy. So agar ye model success hota hai, toh we have very good interest from Jaipur and from Chennai as well. Soon we will be launching our two more stores in Jaipur and Chennai. And having a plan, ke 20 aise experience stores karne hai India mein next 1 year. कितने स्टोर करने का प्लान है सॉरी आपका? 20 स्टोर्स इन नेक्स्ट 1 year. नेक्स्ट 1 year, अमेजिंग. सो इसका मतलब है कि देयर आर लॉट मेनी पीपल विद डिफरेंट यू नो एबिलिटीज और डिसएबिलिटीज, सो टू से. सो इसका मतलब है कि आज तक उन लोगों के लिए कुछ बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर था नहीं, या इट इज यू आर द फर्स्ट वन हु आर हूज थिंकिंग यू नो द मोस्ट इन दिस स्पेस इन दिस डोमेन? Hey, there are so many players, basically they are doing on a great level actually. So the point is they are not in the limelight, or I can say there is not much aware, like visibility on this space actually.
let me take this other way to get more interest. So, you know, there are more than a billion population in the world who need assistive solution. So if you talk about the billion population, so the market size is $7 trillion. So that's $7 trillion, and like in the Western countries, even in India, some NGOs, some organizations are promoting this purple economy. So this considered as a purple economy. So we are just a small part to shape this purple economy. So a huge, huge demand out there for a billion population. If we talk about the India has more than 115 million persons with disability. Which is 15 crore, agar main usko Hindi mein usko agar convert karta hun toh, right? 115 million, you said. 115 million, okay, 11.5, मतलब 11.5 crore लोग कम से कम जो हिंदुस्तान में सिर्फ हैं, जो कि disabilities हैं जिनको, और we can say they need assistive aids. ओके, सो जब आप असिस्टिव एड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये जो मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं, या आपने भी, ये भी असिस्टिव एड्स के अंदर हम काउंट करेंगे? यस, ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं उनको, एंड बट जब हम पर्पल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो तब हम एल्डरली पीपल को भी कंसिडर करते हैं. सो द व्हीलचेयर, द रैम्स, द स्टिक दे यूज, दिस ऑल आर असिस्टिव एड्स. इवन द ग्लासेस यू एंड मी आर वेयरिंग, दिस आर असिस्टिव एड्स फॉर आवर विजन करेक्शन. राइट. So sometimes it's a temporary disability. So we both have visually challenge, a temporary visually challenge, we can say. But some has a permanent disability, some has temporary disability. So there's so many diseases like diabetes ho gaya, hernia ho gaya, dyslexia ho gaya. So this kind of disease is also some kind of considered as a functional impairments. Okay. So this also considered as a part of purple economy. So $7 trillion. अच्छा, डायबिटीज इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पर्पल इकोनॉमी, यू आर सेइंग. तो डायबिटीज के लिए भी क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं, या है मार्केट के अंदर, लाइक यू नो असिस्टिव एड जिसको हम बोल सकते हैं? सो दिस, एंड व्हाट इज दैट? या सो यू कैन कंसीडर, वन इज इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, और अनदर इज इंडिविजुअल विद फंक्शनल इंपेयरमेंट्स. सो डायबिटीज इज अ फंक्शनल इंपेयरमेंट. ओके, सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डायबिटीज. And it will be soon live on Enable Mart's platform. So we are also making innovative kits kind of thing. So a person sitting in abroad, and unke parents agar India mein hai, to unko wo gift karna chahte hain, to they can consider. And we are in talks with ICMR to regulate this kind of kits. So we are closely working with ICMR as well, because it all comes under health. Right. So we are working tirelessly for making this happen in real time soon. Amazing, so, like, you know. So जो आप सोच रहे थे कि टॉर्चिट के पास एक प्रोडक्ट है जो सारथी है, या तो भी दो चार प्रोडक्ट्स हैं. So now we have variety of products and variety of the market. We have expanded our horizons. So टॉर्चर की बात जब हम करते हैं, या रादर असिस्टिव एड की हम बात करते हैं, बिकॉज यू नो यू सेड कि आपके पास में 200 प्रोडक्ट्स हैं इन द पोर्टफोलियो राइट नाउ. सो आप हिंदुस्तान के अलावा और कौन कौन सी मार्केट्स के ऊपर, यू नो, योर फोकस इज देयर, या ज्यादा कहें कि जैसे वो 1 बिलियन पॉपुलेशन जो आपने बोली, जैसे 11.5 करोड़, तो उस 1 बिलियन पॉपुलेशन के हिंदुस्तान में, सो विच इज द सेकेंड, यू नो, इम्पैक्टेड, मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री रादर, सो टू से, जहां पर उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लोग हैं जिनको असिस्टिव एड की रिक्वायरमेंट है? सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई असिस्टिव एड्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर हेल्थ इंफ्रा और नॉट प्रॉपर केयर. बेसिकली मेजरली दिस आर द रीजंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्ली 90s और 80s और 20s, सो वी डोंट हैव प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर availability. So take an example of visual impairment, blindness. So majorly blindness kahan se aati hai? Because of cataract or diabetes. Okay. Or medical kya bolte hain, there's so many medical complexity jo
डिफरेंट दवा लेने से होती है। अगर आपको प्रॉपर डॉक्टर का नॉलेज नहीं है एंड आपने वो दवा ले ली, तो यू देयर सो मेनी केसेस जो हमने देखे हैं जिनको ब्लाइंडनेस होती है लाइफ में। ओके ओके, टेक अ पार्ट एग्जांपल ऑफ 90s में जिनको कैटरेक्ट हुआ बट वहां पर प्रॉपर हेल्थ इंफ्रा नहीं था, तो वो आज ब्लाइंड है। सो सर्जरी के बाद भी कैटरेक्ट की क्या वो सर्जरी अवेलेबल ही नहीं है गांव लेवल में उस टाइम पे। ओ अच्छा, कैटरेक्ट हो गया है पता ही नहीं चल रहा है और लाइक यू नो दे आर इन द वर्ज ऑफ 100% ब्लाइंडनेस। सो दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड आल्सो फॉर द पोलियो, जो पहले पोलियो नहीं था, और पहले पोलियो था अभी नहीं है बिकॉज ऑफ द गुड हेल्थ इंफ्रा पॉलिसीज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जिनको हो चुका है वो आज सफर कर रहे हैं। सो सारे डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग द अफ्रीका एज अ होल कॉन्टिनेंट, जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ इंफ्रा नहीं था और आज भी नहीं है। और थिंक अबाउट द चाइना अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। सो वहाँ पर सो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, वहाँ पर ज़्यादा नीड है दिस काइंड ऑफ असिस्टिव एड्स की। मैं ना अभी दोबारा से आपको फिर पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ जी। द रीजन इज दिस कि बहुत लोगों ऐसे नहीं होते लाइफ के अंदर जो कोई एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे, उसमें से बिजनेस भी बनाए और वो उनका ना सिर्फ बिजनेस बन जाए बल्कि उनका एक मिशन भी बन जाए। तो अगर मैं फिर से पीछे लेकर जाना चाहूँगा, जब आपने ये सोचा था कि मैं कोई क्योंकि इंटर्नशिप करनी है तो लेट्स डू एन इंटर्नशिप मे बी विद द ब्लाइंड स्कूल, आई एम श्योर तब तो ये आपके पास में बिजनेस आइडिया नहीं होगा। इवन जब मैंने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट मार्केट में टेस्टिंग पे दिया, तभी भी मेरे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। विदाउट इवन बिजनेस प्लान वी वॉन कपल ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिशंस फ्रॉम इंक्लूडिंग सम आईआईएम्स एज वेल विदाउट अ बिजनेस प्लान। तभी हमारे पास था ही नहीं कि तब हम सिर्फ ऐसा सोचते थे। लाइक आई विल गिव यू माई स्मॉल एग्जाम्पल। जब हमने ये टॉर्च बना लिया था तब हमने सोचा था कि इंडिया में करीबन 80 लाख ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो हम उनको जाके बेचेंगे। तब ये बिजनेस प्लान था कि हमको उनको बेचना है। सो दिस इज हाउ वी हैव वॉन बिजनेस कॉम्पिटिशन। बट जब हम आज मार्केट में हैं, तब अभी हमारा विजुअली इम्पेयर्ड जो सेक्टर है विच इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ आवर रेवेन्यू। हमारा 90-95% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, कमिंग फ्रॉम द एनजीओस, कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओनली 4-5% business is coming from direct individuals. So, consumers. Plan तभी भी नहीं था, आज भी थोड़ा सा है। We are even evolving ourselves. So, even having $1 million revenue today, we are considering के हम इसको there's a potential to have $1 billion revenue of this market. When I'm considering a $7 trillion market opportunity. So we can be $1 billion revenue company in next couple of years or decade kind of thing. So, okay, coming to the again your question, कि जब मैंने शुरुआत की थी तब कोई प्लान नहीं था, तब एक ही मोटो था कि जो मेरे साथ वाले का हुआ एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट्स कम हो। So this on this mission we have started Torchit, and Torchit का नाम भी ऐसे ही पड़ा कि because it was a torch. तब मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि क्या ही सोचेगा थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो क्या सोचेगा वो तो दिख ही रहा है नहीं ये सोचेगा ऑन द नेम साइड। तो दिस इज हाउ टॉर्चिट केम इनटू द पिक्चर, एंड विदाउट अ प्रॉपर बिजनेस प्लान वी केम इनटू द मार्केट एंड वी फेल्ड, वी इवॉल्वड, इवन टुडे वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। सो दिस इज अ स्मॉल learning I want to share with you guys from this platform. Start with a small thing. Start with your playground. So as I told you earlier as well, ke this Ahmedabad is our playground, blind school is our playground, jahan par hum ye experiment kar rahe hain. So pehle experiment bahut chote level ke the, like 15-20,000 ke, 50,000 ke fail hue to chalega. Abhi experiments 50 lakh ke hain, 40 lakh ke hain, ke agar fail hue to chalega. So this is what
आई वॉन्ट टू से कि बी ए लीन, क्योंकि आफ्टर कोविड वी लाइक जस्ट बिफोर द कोविड वी रेज द राउंड इन 2019 अक्टूबर एंड देन कोविड हिट एंड कोविड के बाद वी वर स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग ऑन द टीम्स ऑन द एक्सपेंशन ऑन द आरएनडी एंड एवरीथिंग बट आफ्टर कोविड जैसे कोविड के बाद सब कुछ खुल रहा था टॉर्च इट बंद हो रहा था क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे क्योंकि हमने सारे फंड्स लगा दिए थे आरएनडी में सारे फंड्स लगा दिए थे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने में सो वहां से मुझे एज अ गुजराती माइंड सेट और सिंधी माइंड सेट आई कैन से बींग अ सिंधी एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात एंटरप्रेन्योरियल स्टेट ऑफ इंडिया सो व्हेन आई सी अदर एंटरप्रेन्योर्स दे आर वेरी लिमिटिंग देमसेल्फ टू एक्सपेरिमेंट न्यू So this is what I learned from them and this is why we become more profitable. So last year only we clocked a profit of 1 crore. So this is what, and from day one Torchit is a profit making company. So this is what I learned from my other fellow entrepreneurs in nearby friend circle. And this is what I want to share with budding entrepreneurs jo sochte ke paisa urana is not a entrepreneurship paise ko save karna and experiments do small trials but keep it short like ke zyada resources mat dalo zyada time effort mat dalo zyada money involve mat karo and if it is success then you put more na fir 50 log aake aapke paas ho jayenge and there is not a what I can say is like there are so many investors out there अगर आपका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस जाता है ना तो 10-15 लोग आपके पास आ जाएंगे कि पैसे हमसे लीजिए आप राइट राइट सो 2020 आप बोल रहे हैं कि जब मार्केट खुल रहा था टॉर्चेट नीचे जा रहा था बट उसके बाद में बिकॉज यू नो यू ऑफ कोर्स यू नो यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड देन नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर बल्कि आपके अंदर जो परसीवेरेंस की जो भावना है वो इतनी स्ट्रांग थी आपने कहा कि नहीं लगे रहेंगे देखेंगे क्या होता है डटे रहेंगे आज हम 2023 में बैठे हैं देन यू आर सेइंग कि हमारा $1 million का रेवेन्यू है राइट तो ये जो विजन है ये जो सोच है ये आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होती है बहुत सारे लोगों को इवन ये नहीं पता होता उनको लाइफ में क्या करना है आगे क्या करें या वो जिस भी चीज के अंदर हैं उसके अंदर भी वो पूरी कन्विक्शन के साथ में नहीं रह पाते तो मतलब क्या मैसेज देंगे क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि नहीं अपना विजन किस तरीके से बनाओ किस तरीके से अपना विजन ढूंढो टॉर्च आपके पास टॉर्च है मैं तो कहूंगा विजन आप ही बता सकते हैं बताइए क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए लोगों का विजन बन आगे ताकि वो लगे रहें डटे रहें और एक विजन कम से कम बना पाए सो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है विथ माय लिमिटेड नॉलेज आई कैन जस्ट से क्या फोकस रहिए जो आपने ऑलरेडी जॉब दे चुके हो सो आई विल गिव माय एग्जांपल अगेन कि जब कोविड के बाद हमारे पास लिमिटेड फंड्स थे क्योंकि हमने बहुत सारे फंड्स लगा दिए थे कहीं ना कहीं पे तो कोविड के बाद जब ऐसा माहौल आ गया कि अभी हम वर्ज ऑफ कोलैप्स थे हमको दिख रहा था कि 6 महीने का रनवे है हमारे पास एंड 6 महीने के बाद वी डोंट हैव एनी रनवे सो दिस इज लाइक सितंबर अगेन या टुडे सितंबर सो सितंबर 2020 के हमारे पास अगले मार्च फरवरी तक का पैसा है सो अभी क्या करें तो हम बहुत आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत कुछ करने का सोच रहे थे वैरायटी ऑफ थिंग्स वी वर स्टार्टेड के हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं सो द पॉइंट इज के आप फोकस रहिए हमको एक टाइम पे उस टाइम पे बहुत अच्छे मेंटर मिल गए थे जिन्होंने बोला कि हनी ये फालतू सोचना बंद करो ये काम का है जब आपके पास 1 month 1 महीना हो सिर्फ अभी तुम्हारे पास 6 महीने हैं तुम 5 महीने 100% लगा दो टॉर्चर के पीछे एंड उसके बाद अगर नहीं बचता तो फिर 1-2 महीने का टाइम लेके आप नया सोचना अगर आप अभी से सोचोगे तब कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि टॉर्चर जो प्रोडक्ट बन चुका है जो आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है
वो आप दूसरे फील्ड में जाओगे तो वहां पर नहीं लगा पाओगे। सो थिंक अबाउट कि टॉर्चर को ही कैसे ग्रो करें, थिंक अबाउट कि और अल्टरनेटिव्स क्या आप सोचें। सो उस टाइम पे हमने सोचा था कि टॉर्चर एक ओके सो वी वर इन द पायनियर्स ऑफ गेटिंग सीएसआर बिजनेस इन दिस डोमेन। सो हम ये सीएसआर बिजनेस लेके दूसरे और असिस्टिव सॉल्यूशंस स्टार्टअप्स को क्यों नहीं हेल्प करें। सो दिस इज द आइडिया आइडिया इन सेप्टेम्बर एंड अभी इसको फुल फ्लेज में हम कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर अदर स्टार्टअप्स एज वेल। सो नाउ टॉर्चर इनेबल मार्ट जो है वो एक अम्ब्रेला है। सो इन अम्ब्रेला दैट 200 प्लस प्रोडक्ट्स व्हिच आई टोल्ड यू, वो प्रोडक्ट्स सारे हमारे नहीं है, कुछ हमारे हैं, कुछ दूसरे स्टार्टअप्स के भी है। ओके, सो वी टुक इनिशिएटिव इन दैट टाइम एंड अभी उसको प्रॉपर शेप करके हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। ओके, सो कमिंग टू योर क्वेश्चन अगेन, आई जस्ट वॉन्ट टू से माई टू सेंट्स के आप फोकस रहिए एंड जो आप कर रहे हो उसी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके काम करेंगे एंड परस्यू करेंगे उसी को। सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग कि अगर आप 10 और जगह ट्राई करते रहोगे। सो यही चीज मुझे सेम टू सेम चीज मुझे मेरे फादर ने बताई थी व्हेन आई वाज इन माय फोर्थ ईयर एंड उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं जॉब लूँ या तो टॉर्चर को आगे कंटिन्यू करूँ। फिर मैंने एक टाइम में नकी किया था कि मैं जॉब भी लेता हूँ और टॉर्चर को साथ में करता हूँ। तो फादर ने बोला कि नहीं, जब तुम जॉब करोगे, इवन माय फादर हैविंग अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ही इज अ एंटरप्रेन्योर, तो ही सेड कि हनी अगर तुम जॉब भी करोगे टॉर्चर भी करोगे तो दोनों में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और यही बात हमारे अमन गुप्ता जो बोर्ड के हैं शार्क, उन्होंने भी शार्क टैंक में बोली थी कि आप एक साथ दो घोड़ों पे सवार करोगे तो नहीं चल पाओगे। सो यही स्मॉल एग्जांपल मैं सबको देना चाहूंगा कि आप एक साथ दो चीजें मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते। यू हैव टू वेरी फोकस कि अभी आपको क्या करना है बिकॉज यू हैव 24 आवर्स एंड यू बीइंग अ लीडर यू कैन नॉट थिंक इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। जब आप दो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपके थॉट्स दो डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, सो कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलता। और जब आप एक चीज के ऊपर ठान लेते हो तो यूनिवर्स की सारी ताकत है आपके विजन को सक्सेस करने में काम करती है। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ माई लिटल नॉलेज जो मैंने अपने 3-4 साल के करियर में सीखा है। नहीं, so this is ये नॉलेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक स्टे फोकस्ड, जिससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट एक चीज और मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने जब बोला कि जब 6 महीने के पैसे बचे थे और यू नो समबडी टोल्ड यू दैट आप 5 महीने और लगा के काम करो, जी जान लगा करके काम करो, 100% दो, ये सब सोचने का टाइम अभी नहीं है कि हम बंद कर दें या नहीं करें। सो विच मीन्स दैट यू नो आपके पास में एक अच्छा मेंटोर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि So, उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, लाइक इवन लाइक आपके पास पता नहीं भले कितना भी ज्ञान हो बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचना चालू कर देते हो। सो उस टाइम पे आई कैन से कृष्णा मेरे एक्चुअल सारथी बन के आए उस मेंटर के रूप में जो जिन्होंने मुझे बताया। सो हमारा प्रोडक्ट का नाम सारथी है विच इज अगेन डिराइव फ्रॉम कृष्णा। सो कृष्णा कभी भी आ सकते हैं कोई भी रूप में। सो यू हैव टू जस्ट ओपन योर आईज। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको जरूरी नहीं कि आपके ये जो आंखें हैं जो हमारे फेस पे लगी हुई है, बल्कि मन की आंखों भी ओपन करके रखें। कृष्णा कभी भी आएंगे और यस फिर आपका मार्गदर्शन तो वो करेंगे ही करेंगे अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कैसे आए? क्योंकि यू हैव अ पार्टनर एज वेल ऑन योर बिजनेस, सो वो पार्टनर का आना कैसे हुआ? वेरी गुड रोल एंड स्टिल ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड टुडे माई टीम इज माई पार्टनर। सो वी हैव देन स्टार्टेड ई-शॉप्स। So now team is taking a lot of decision on day-to-day task and my role is to expand horizon of my team, like aap ye bhi kar sakte ho and at the same time expand horizon of the vision of Torchit. Kyunki main aapko recently example doon to we have now started working on making a lot of new innovative devices for intellectual disability or cognitive disability I can say.
सो उनके लिए अभी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे आर मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स बट नॉट ऑन द नेशनल लेवल. कि अहमदाबाद में जो लोग हैं उनको नहीं पता है, या तो जो अहमदाबाद में स्टार्टअप्स हैं लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका प्रोडक्ट दिल्ली में नहीं मिलता है. सो देयर इज नॉट अ प्लेटफॉर्म. सो वी आर ट्राइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एज वेल through EnableMart. So this is what our next step into the horizon of. So there are so many cognitive disabilities, print disabilities. So we are now tapping into those market and we are making solutions around this segment. So you said so what? Which disability? Spring? Print. Print disability. जो पढ़ नहीं सकते, तारे ज़मीन पर जो थे, उसको print disability. Okay. So there are n number of types of disabilities in print disability. One is visual disability. Okay. हाँ, और जिनको spelling समझ में नहीं आती, जिनको words नाचते हैं उनके सामने, जो तारे तो dyslexic हो गए, right? Yeah. So बहुत सारे लोगों को नाम्स नहीं पता है, तो that's why it's a common name of print disability. Okay. जो पढ़ नहीं सकते, so उनके लिए हमारे पास audio solutions हैं. उनके लिए हमारे पास राइटिंग गाइड्स हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं. Okay. For those kind of disabilities. Or I can say impairments, like everyone has some kind of impairment. Right, right. Yeah. So your father's role, of course, वो तो पता ही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. तो पर बचपन में कैसा था आपका और आपके फादर का जो साथ था, उनका किस तरीके से गाइड करते थे आपको? क्योंकि एक जब समझदार लड़का या समझदार बच्चा आगे जाता है, जब बढ़ता है वो, तो फादर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्राउड होते हैं. यू नो पेरेंट्स आर ऑलवेज प्राउड कि मेरे बच्चे ने बहुत नाम कमाया, आगे गया. सो बचपन में किस तरीके का आपको वो देखते थे? क्योंकि आपने बोला कि वो चाहते थे कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो, बट अगेन यू हैड सम विजन. तो बचपन से किस तरीके का रोल रहा था उनका आपकी लाइफ में? सो काफी क्रूशियल रोल था एक्चुअली. सो जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का था, सो मेरी मम्मी मुझे मार के मुझे शॉप पर भेजती थी फादर के. जब भी फ्री टाइम था, तब ऑफकोर्स मेरा खेलना कूदने में बहुत ध्यान था, मेरा बहुत इंटरेस्ट था. बट माई मॉम बींग अगेन सिंधी फैमिली, वी आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, सो सारे मेरे कजिन, सारे मेरे फ्रेंड सर्कल्स शॉप पे जाते थे. तो मेरी मम्मी मुझे शॉप पे भेजती थी जब मैं फिफ्थ सिक्स ईयर स्टैंडर्ड में था. एंड तभी से मेरा शॉप पर लाइक मेरे फादर के बिजनेस में मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था. एंड मुझे पता था कि बिजनेस करना कैसे है. एंड कमिंग फ्रॉम दोस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, बिजनेस इज वॉट हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट्स, टू योर कस्टमर्स, टू योर टीम, टू योर एनी वन, इन्वेस्टर्स और एनी वन, राइट? सो बचपन से मैंने ये थोड़ा थोड़ा सीखा था, जो ओवर द पीरियड हेल्प हुआ एंड बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई. कि इस सी अगेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी कॉमन नहीं है लोगों में. इंडीड, सो ये तो आपने सबसे बड़ी बात कही है. हाँ, सो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. वो तभी आएगी जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे, ग्राउंड लेवल पे आप ऑपरेशंस के काम करोगे. सो इवन अगर आप कोई भी बड़े एग्जांपल्स देख लो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ले लो या कोई भी बड़े एप्पल ले लो, जो आज की तारीख में बड़े लीडर्स बनते हैं ना, दे कमिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल बैकग्राउंड. ऑपरेशनल बैकग्राउंड में आपको ग्राउंड लेवल की चीजें पता चलती है. आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप टीम के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप सप्लायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो. सो वो चीज मैंने बचपन से ही सीख ली थी. सो इट हेल्प मी अलॉट. अगेन कमिंग फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड, आई स्टडी इन अ गुजराती, तो मेरा इंग्लिश इतना परफेक्ट नहीं था. सो इनिशियली मेरा फर्स्ट आई हैव अ स्टेज फियर. सो सबसे पहले मेरा स्टेज फियर कम्प्लीट दूर हुआ जब मैंने 250 ब्लाइंड लोगों के सामने टॉक दिया. तभी इट वॉज माई फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस, आई कैन से. एंड उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ लाइक जॉज टॉक, टॉक टॉक्स. So even I got a standing ovation at some places as well. So even I'm now representing India in the United Nations.
Amazing. Of course, coming to the father's role, it was a crucial, and father was my first mentor, first investor. Okay, so एक और स्टोरी याद आई है. जब सारथी लॉन्च करने वाले थे जनवरी 2018 में, तब एक इन्वेस्टर के साथ बात चल रही थी. तब वो 50 लाख डालने वाला था. सो आई एंड माय फादर इज आल्सो डायरेक्टर, तो उनकी साइन चाहिए थी. तो मेरे पापा से बोला कि पापा एक इन्वेस्टर हैं जो 50 लाख डालने को रेडी है इनिशियल स्टेज में, एंड ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बट ये इन्वेस्टर जो था अच्छा लग रहा था. सो पापा ने बोला 50 लाख करेगा क्या. मैंने पापा के सामने एक्सेल खोल दी इन्वेस्टर वाली. तो ये सब मुझे ये सब समझ में नहीं आता. तो मुझे पेपर में लिख के 50 लाख कोई देता है तो उसका करेगा क्या. सो आई डिड दिस एक्सरसाइज विद हिम, एंड उन्होंने बोला कि तुझे 10 लाख की जरूरत नहीं है. मैंने बोला कि नहीं पापा, एटलीस्ट 25 लाख की जरूरत है. तो उन्होंने बोला ना तो लाइक आ गया ना 50 से 25 पे. एक काम कर, 15 मैं अभी देता हूँ, 10 बाद में दूंगा, तो अभी स्टार्ट कर. सो दिस इज हाउ आई सेव माय लॉट ऑफ इक्विटी. जो मैं पहले दे देता वो फादर ने बचा ली, एंड आई पेड बैक माय फादर्स दिस इंटरेस्ट अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 1 year टाइम स्पेन. सो उनसे मैंने 20 लाख लिए थे, 22 लाख लिए थे, इंस्टेड ऑफ 25 मैंने 22 ले लिए थे. अब भाई साहब ने रिटर्न किए विद इंटरेस्ट एक साल में, स्मॉल इंटरेस्ट ऑफ 2%. एवर माय पॉइंट इज यू रिटर्नड इन 1 year, या दैट टू विद इंटरेस्ट, या बिकॉज़ हमारे पास उस टाइम पे अच्छे ऑर्डर्स आ गए थे, अच्छे 1.5-2 साल का ग्राउंड वर्क था. सो दिस इज व्हाट वी डिड. सो माय फादर प्लेड अ क्रूशियल रोल. सो माय फादर वाज अ फर्स्ट mentor, and even today also he guides me a lot. So what is the last message now you want to give to the viewers? So I can give a 2 message. Again compiling my all entire story, ke aap jo kaam kar rahe ho koi kaam chhota nahi hota, aap lage raho us kaam pe. Jab main torch bana raha tha tab bahut sare mere friend circles mein log haste the ki tum blind logo ke liye kya torch bana rahe ho. So today we have achieved, like by God grace, we have achieved good numbers, and we are going to achieve good numbers by God grace. And कोई काम छोटा नहीं होता, आप लगे रहो, आप कोई भी business को पकड़ लीजिए, उसमें से आप अच्छा बना सकते हो. Like सारे unicorns नहीं बन सकते, even I cannot say कि सबको unicorn बनना भी चाहिए, but आप कोई एक idea देखिए. आपके आजू बाजू में 10 दिन आप सोचिए, आपके डे टू डे टास्क में आपको 50 आइडियाज मिल जाएंगे. आप उस आइडियाज को सोल्व करोगे तो उसमें से आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो, एंड इवेंचुअली वो बड़ा बनता जाता है. जब मैंने टॉर्चर चालू किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं टॉर्चर के बाद क्या, एक प्रोडक्ट के बाद क्या करूँगा. सो टुडे वी आर एट 200+ प्रोडक्ट्स एंड एमिंग ऑफ $1 billion रेवेन्यू. सो कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो आप करते रहिए एंड लगातार करते रहिए. एंड अनदर मैसेज आई वॉन्ट टू शेयर, everyone has a disability, everyone has a ability. So don't consider someone's disability, not even only jo visual disabilities hai, like bol nahi sakta, sun nahi sakta, chal nahi sakta, aankhe nahi hai, dekh nahi sakta. Some many person has a invisible disabilities as well, ke wo bichara shayad trauma mein hai ya to fir depression mein hai, ya like lot of type of impairments. वो बोल नहीं सकता आपको, उसको वैसे conditions हैं, वो आपको बता भी नहीं सकता. So there's so many kind of impairments are there. Everyone has their personal life, and कोई भी इंसान 100% सुखी तो नहीं है. Indeed. Yeah. So सबके साथ आप अच्छे से चलें. Like this is what I learned. This is what I become humbled with working with persons with disability. So this is what a small message I want to share to each and everyone. Thank you so much, honey. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और बहुत अच्छे-अच्छे messages of course you have given, that you know stay focused. छोटा कोई काम नहीं है.
ये दीज आर वेरी वेरी बिग थिंग्स इन लाइफ दैट यू नो, अगर आप लगे रहेंगे तो आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा बना सकते हैं लाइफ के अंदर. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज वैल्यूएबल थॉट्स एंड मैसेजेस ऑफ कोर्स. Thank you so much, Pawan, for having me here, and it's indeed a great talking to you.